थी, वो तो बच्चलन महिला थी। नहीं तो आप इसके न आने पर मैं सब कुछ मैं बेच दूंगा। बेच देंगे पूरा पूरा सब, पूरी संपत्ति मैं हटा दूंगा, हटा रहा हूँ। और जब तक वो नहीं आएगी तब तक मैं यहाँ पानी हराम किया हूँ। नहीं खाते हैं आप? नहीं, मैं तांत्रिक आदमी हूँ, एक तांत्रिक आदमी हूँ। मतलब यानी कि हर बीमारी को मैं दूर करता हूँ, जमीनी चक्र टीएफ एसएमएस टीएस मैं सब की चीज़ करता हूँ। आदमी कहाँ जाता है मैं ये भी देखता हूँ। हाँ लेकिन कहाँ चला जाएगा उसको भी देखते हैं आप? वो भी देख लेता हूँ कि कहाँ पर है ये, मैं जानता हूँ। लेकिन अभी हमारे पास पावर नहीं कि मैं इसको मैं छुड़ा के लाऊँ। नहीं, आपके पास इतना तांत्रिक है, आपके पास इतनी पावर है कि आप जो है कहीं अगर कोई चला जाता है उसको भी जो है अपने जो है वाणी से और उसको जो है नेत्रों से देख लेते हैं। हाँ देख लेते हैं हम, पक्की है। अच्छा, हम देख लेते हैं। देख लेते हैं आप? हाँ देख लेते तो हैं। तो अगर वो आपकी जो है पत्नी जो है कहाँ गई है और उसको क्या आप देख लेते हैं? हाँ, मैं चावल लाई गई एक बोरिया बेचवास बल्कुन हमारे बेटवा से लाद के लाई गई से झूठ थोड़ी बोले कि वा भाई लाई गई बेचवाए के अपन पैसा कौड़ी लाई के गई। परेशान होते ना, अब हो गए लड़का है कही देहन कि लाई चल बाबा लाद के सेहरा पहुँचाई दे, लाई गई लाद के पहुँचाई दे। हम लोग सोच रहे थे होली पे आएंगी तो सब हो जाए, भी मिलेंगी आपको भी। हाँ सहारा हो जाएगा कि आ गए, शाम का भूला अगर घर वापस आ जाए उसको भूला नहीं कहते हैं। तब इस वक्त जो है मैं प्रयागराज जिले में हूँ और देख सकते हैं यहाँ पे कुछ सारी हमारी माताएं बने हैं और यहाँ पे एक भाई साहब है बाबा जी। बाबा जी जो है इनकी पत्नी जो है घर से जो है निकल जाती है बिना बताए और बिना कुछ जो है इनकी जानकारी में, और बाबा जी जो है दर दर की ठोकरे खाते हैं मगर कहीं जो है उस औरत का पता नहीं चलता है कि कहाँ चली गई है। और घर से बिना बताए जो है वो चली जाती है, मगर आज जो है एप्लीकेशन थाने में दिए हैं और उस महिला का कोई अता पता नहीं है कि महिला कहाँ रह रही है, किसके साथ में गई है और क्या करती है महिला, और दो बच्चे भी हैं उसके। और महिलाएं ऐसा क्यों करती हैं, अब आइए जो है हम अपनी माताओं बने से पूछेंगे कि शादीशुदा हो जाती है चाहे गरीब आदमी हो चाहे अमीर आदमी हो तो उसको जो है अपना पति जो है हमेशा स्वीकार करके चलना चाहिए और उसी रास्ते पर चलना चाहिए जो पति कहे उसी राह पर चलना चाहिए। और किसी को हमारी माताएं बने ऐसा होती हैं कहीं ना कहीं जो है महिला सशक्तिकरण को जो है बदनाम करने पे तुली हुई हैं, कहीं आज जो है महिलाओं को ज़्यादा छूट मिल गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पति को छोड़ के जो है बिना बताए चली जाएं। तो आइए हमारे हमारे साथ माता जी हैं। माता जी क्या नाम है आपका? हाँ भैया हमारे बिलासा देवी। अच्छा क्या कहेंगे वो महिला जो है वो गई कहाँ है और क्या करती थी महिला? भैया वो पता ही नहीं वो कहाँ बा, कहाँ गई कहाँ नहीं गई, यहाँ से गई है। यहाँ से तो काम क्या नाम था वो महिला का? सुनीता। सुनीता। अच्छा सुनीता नाम था। कब? अच्छा ये यही घर है उसका? हाँ यही घर है। अच्छा कुछ बताई नहीं है? नहीं नहीं साहब बताए कुछ नहीं। क्या कहेंगे ऐसी महिला जो बच्चे कमाई गई? हाँ यहाँ से कमाई गई है। अच्छा बताइए दो बच्चे हैं उसके बताया जाता है? हाँ दो बच्चे हैं। अच्छा क्या कहेंगे ऐसी महिलाएं जो बच्चे पैदा करके जो है अपने बच्चों का मोह माया नहीं रहता है छोड़ के चली जाती है, क्या कहेंगे ऐसी महिलाओं को? अब क्या कहें क्या न कहें, तो समझने यहाँ से कुछ तो कमाइन के गई हैं। अब जौन भाई पति के धर्म हो वो निभावे चाहिए कि जो पति कहें वही राह पे चलना चाहिए। जैसे हम लोग हैं दो बच्चे हैं तीन हमारे भी बच्चे हैं तो हम लोग जैसे पति के वह से चलते हैं और कोई कुछ भी नहीं करते कमा भी नहीं जाते तब कैसे कहें हम। अच्छा आजकल महिलाएं जो है हमारी माताएं बहनें जो हैं बिना बताए पति को जो है चली जाती हैं छोड़ के भाग जाती हैं? हम लोग नहीं जाते बिना पति के बताए, कभी नहीं गए हैं। अच्छा, छोड़ के चली गई? अब पता नहीं उसका दिल जाने मन जाने क्यों छोड़ के चली गई। तो क्या बच्चों का दर्द नहीं हुआ? बच्चों का तो दर्द होगा बहुत, दो बच्चे दर्द होते हैं तो जाते हैं। अच्छा, भैया एक जने के मतलब छोड़े जना अपने दीदी की कहा जना आते एक बच्चा छोटा वाले बच्चे की? हाँ छोटा वाले छोटा वाला बच्चा। अच्छा औरतें ऐसे क्यों करती हैं? अब और तो ऐसे क्यों करते भैया वो हम ये तो हम नहीं बता सकते उसके अंदर क्या चल रहा था क्या नहीं, अब उसके मन के हाल तो हम नहीं जान सकते। हाँ वो कमाने के नौरत गई है कि हम जा रहे हैं कमाने, हम लोग से बात भी नहीं की और जो मतलब जो औरत से की थी कि मतलब हम कमाने जा रहे हैं वो कमाने के नौरत यहाँ गई है इनके, और कहा हुआ मतलब होली पर आएंगे यहाँ पर फिर कमा कर। हाँ पति जो है खुद कमाता था तो खुद खिलाता था, कोई कमी नहीं था। देखो कमी तो देखा कोई नहीं था, हर चीज मतलब बिगाड़ा बहु भाई की कहा घरे अपन खेती बाड़ी करे है अपन बो
जोत खा पीओ कवन कमाई के लई आवत हनो देते हैं तो का बताया जाता है कि इनके पति जो है बाबा जी थे ये झाड़ फूक करते थे। हाँ यही करे थी साहेब अपन झाड़ फूक कैसे कमात हैं खियावत रहे तो सब खेत के मतलब अपन मतलब चली गई सब पूरा गाय सब अपन ऐसे लग गई बाड़ा में छोड़ छाड़ के खेत ओत के तब गई है चाउर लग गई एक बोरिया बेचवास बल्कुन हमारे बेटवा से लाद के लग गई झूठ थोड़ी बोले की भाई लग गई बेचवाई बेचवा के अपन पैसा कौड़ी लग के गई परेशान होते अब हो गए लड़का है कह देहन की लई चल बाबा लाद के सेहरा पहुँचा दे लग गए लाद के पहुँचाई दे। अच्छा महिला जो है कहीं घर बनाने के लिए सोचती हैं और महिलाएं होती घर उजाड़ने की सोचती हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो आज महिला आती है कभी नहीं आती आज जो है गेहूं चावल सब बेच के और गाय गाय को खेत दिए दो लड़का हैं दो लड़के हैं उसको अगर भाई कमाना खात बा खवावत कमात बा अगर दर्द होता तो छोड़ के जाती बच्चों कभी नहीं दर्द नहीं कभी नहीं दर्द है। अच्छा ऐसी महिलाओं को क्या कहेंगी आप क्या कहें क्या ना कहें अरे हाँ क्या बोले क्या नहीं ऐसे छोड़ के तो जाए ना चाहे हम लोग जैसे है देखो जो अगर एक हमारा पति दो रुपया कमाता है तो उसी में हम संतोष करते हैं अपने आदमी से बात किया जाता है हम भी अगर कभी जाते हैं तो आदमी से बात करके जाते हैं यहाँ पर है पर वो तो कुछ बात ही नहीं कर रही है तो क्या कहें हम। अब देखिए होली का त्योहार था उस होली के त्योहार में भी वो महिला नहीं आई अपने बच्चों से मिलने उसको दर्द नहीं है वो माँ जो है कहीं आज जो है बच्चों को जो है याद नहीं आई। देखिए बच्चे जो है इतने बड़ा है और एक छोटा है इसे और छोटा भी ऐसे छोटा है इसे वो भी रहा जब होली मिलने नहीं आया तो आपको क्या लगता है कि जो है इसकी माँ जो है इसे प्यार नहीं करती है अभी है यही बात होगी ना यही तो समझ में हो गई। होली का एक ऐसा त्योहार होता है जो दुश्मन भी होता है वो भी गले मिलता है गले मिलता है ऐसा होली के दिन पे हम लोग सोच रहे थे होली पे आएंगी तो सब हो जाए भी मिलेंगी आपको भी हाँ सहारा हो जाएगा कि आ गए शाम का भूला अगर घर वापस आ जाए उसको भूला नहीं कहते तब बोलो। आप देखिए ये था और बच्चा जो है मैं बच्चे से बात करूंगा बच्चा क्या नाम है अपन नाम बता दो जयकुश जयकुश। अच्छा ये बताइए मम्मी क्या नाम था मम्मी क्या नाम है बताओ सुनीता। अच्छा पापा क्या नाम है रमेश। अच्छा तो ये बताओ मम्मी क्या आती है अच्छा मम्मी छोड़ के चली गई कहाँ चली गई मम्मी इलाहाबाद इलाहाबाद तो अच्छा मम्मी क्या कहोगे मम्मी आ जाए घर तो देखिए बच्चे की जो है कहीं मोह माया होती है बच्चे जो है अभी नाबालिग हैं और पढ़ेंगे और शिक्षा का जो है अभाव है अगर माँ होती तो जो है आज कहीं ना कहीं इनका परवरिश करती और ये अपनी जो है मौसी के यहाँ रहते हैं मौसी के यहाँ रहते हो ना तो मौसी जो है माँ के बराबर प्यार देती है ना। देखिए माँ जो होती है अगर माँ अगर नहीं रहती है तो मौसी जो है हमेशा जो है माँ के बराबर सेवा करती है और मौसी आज जो है इनको बेगाना नहीं समझती अपना जो है लड़का समझती है। मौसी कहाँ की रहने वाली हैं। अच्छा तो मौसी जो है प्यार करती हैं आपसे ना मारती तो नहीं है मौसी नहीं मौसी मारती नहीं मौसी अच्छी हैं। आइए इनके पति हैं मैं उनसे बात करूंगा कि वो क्या मामला था और इनसे जो है बिना बताया जो है वो महिला कहाँ गई है और ये आखिरी बार कब देखे हैं उस महिला को क्या नाम है आपका। रमेश कुमार पटेल गांव ढोलरी। अच्छा पटेल जी ये बताइए आप जो है बाबा जी का भी काम करते हैं लोगों के द्वारा पता चला है। हाँ जो है कि घूमते हुए नज़र में आई थी तो ये जो है नैनी सेंटर में हमको दिखाई दिया था तो इसको हमने बुलाने की कोशिश किया लेकिन ये दो पहिया से निकल गई। अच्छा किसके साथ में थी वो। एक आदमी था उसके साथ में। अच्छा आपका जो है पत्नी जो है क्या किसी और के साथ अफेयर है क्या। हाँ अफेयर है। अफेयर है उसके साथ। हाँ अफेयर है। तो आप जो है कहीं ना कहीं जो है ओझाई बदाई का भी काम करते हैं सुने हैं। हाँ मैं तांत्रिक आदमी हूँ एक तांत्रिक आदमी हूँ मतलब यानी कि हर बीमारी को मैं दूर करता हूँ जमीनी चक्र टीएफ एसएमएस टीएस मैं सब किस चीज़ करता हूँ। आदमी कहाँ जाता है मैं ये भी देखता हूँ। हाँ लेकिन कहाँ चला जाएगा उसको भी देखते हैं आप। वो भी देख लेता हूँ कि कहाँ पर है ये मैं जानता हूँ लेकिन अभी हमारे पास पावर नहीं कि मैं इसको मैं छुड़ा के लाऊँ। नहीं आपके पास इतना तांत्रिक है आपके पास इतनी पावर है कि आप जो है कहीं अगर कोई चला जाता है उसको भी जो है अपने जो है वाणी से और उसको जो है नेत्रों से देख लेते हैं। हाँ देख लेते हैं हम पक्की है। अच्छा, हम देख लेते हैं। देख लेते हैं आप। हाँ देख लेते तो हैं। तो अगर वो आपकी जो है पत्नी जो है कहाँ गई है और उसको क्या आप देख लेते हैं। हाँ मैं देखा हूँ देख भी रहा हूँ इस समय अनिल के हथकड़ा में है और
शंकर मोड़ पर, शंकर ढाल पर वो उसी स्थान पर स्थापित है। अभी है वो? वो है। और ये किसके कारण गई है? नैनी सुमन के चलतन हुई है। ये नैनी वाली ने गुमराह किया है, उसको 10-20 हज़ार रुपये ले लिया और उसके हाथ में 10 हज़ार की मोबाइल टच वाली खरीदी गई है। इसी के लालच में उसको जो है वहाँ पर गिरफ्तार किया। आ यहाँ से निकली कि आओ हम तुमको 13 हज़ार की नौकरी में दिलवाती हूँ, सुमन ने बोली। तो ये यहाँ से गाय गोरु ढील करके भागी और सीधे नैनी गई सुमन के पास। 10 दिन वहाँ घूमी, 10 दिन के बाद ये एडजस्ट हो गई दूसरे के साथ। अच्छा, सुमन कौन थी? सुमन कौन थी? सुमन हमारी भयाहू लगती है। अच्छा अच्छा, ये बताइए, आपके सुने हैं लोगों के द्वारा बताया जाता है आपके भाई की औरत भी जो है फरार हो गई है। हाँ, वो फरार हो गई, कम से कम नहीं आज ये 5-6 साल लग गया है। अच्छा, 6 साल हो गई। हाँ, दूसरे के साथ में भाग गई। अच्छा, नहीं नहीं रहती है कि मतलब भाग गई है पूरा? नहीं नहीं, ये नैहरे में है, ये डीए मोड़ पर, ये काशीराम कॉलोनी। गलत मत बताइएगा, देखिए जो है लोग देख रहे हैं कि गलत आप बता दीजिए कि वो फरार हो गई है तो। हाँ, नैनी अपने जो है नैहरे में काशीराम कॉलोनी में रह रही है, वो भी दूसरे टाइप के आदमी है, भाड़े पर है। तो अपनी पत्नी को क्या कहेंगे इस वक्त, जो अगर खबर हमारी देख रही होगी तो अपनी पत्नी को क्या कहेंगे आप? पत्नी मतलब यही कि वो आए अपना घर देखे। हम तो ये चाहते हैं कि वो आए अपने घर पर, अपना हर चीज़ को देखे, उजड़ने ना पाए, और हम कुछ नहीं कहना चाहते। अगर मान लीजिए आपकी पत्नी अगर नहीं आएगी तो जो है आप भी बर्बाद हो जाएंगे, बच्चे भी बर्बाद हो जाएंगे, सब बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद तो हो ही गया, बताइए। इसके ना आने पर मैं सब कुछ मैं बेच दूंगा। बेच देंगे पूरा? पूरा सब, पूरी संपत्ति मैं हटा दूंगा, हटा रहा हूँ। और जब तक वो नहीं आएगी तब तक मैं अन्न पानी हराम किया हूँ। नहीं खाते हैं आप? नहीं। अच्छा अच्छा, हम आपको बताएं कि जिस प्रकार से आपकी पत्नी जो है आपको छोड़ के गई है, आपकी शादी कैसे हुई थी और किस सन में हुई थी आपकी शादी? हमारी शादी हुई थी सन 2012 में, 23 तारीख को तिलक चढ़ी थी और 27 तारीख को बरात थी, 28 को विदाई रही। तो क्या लव मैरिज शादी किए थे कि जो है ऐसे ही? नहीं नहीं, लव मैरिज मैंने नहीं किया, हमारा माई बाप ने किया, देखा सुना हर चीज़ किया, विवाह करके मैं लाया हूँ, सात भावर लाया हूँ, इसलिए मैं उसको मैं छोड़ना नहीं चाहता। तो सात फेरे जब लेते हैं तो उसमें एक वचन होता है कि जब अगर कहीं अगर पति पत्नी जो होते हैं एकदम जो है बन चुके होते बंधन में, तो आज जो है ऐसा कौन सा मोड़ आ गया कि आपकी पत्नी जो है आपको छोड़ के चली जाती है? अब वो जाने, उसका दिमाग जाने किसके चक्कर में फंस गई है, ये चीज़ हमको नहीं पता है। तो जब आपकी पत्नी है आपको खुद पता नहीं है कि वो किसके बंधन में बन चुकी है, तो दिमाग जो है मतलब आप जो है कहते हैं कि हमारी पत्नी जो है दूसरे के साथ में रह रही है, ठीक, सुनीता ने उसको जो है किसी और को बेच दिया है। हाँ। बेचने के बाद बोल रहे हैं ना। हाँ। तो आप जो है ऐसा कैसे आरोप लगा रहे हैं कि आपने कहीं उसके बारे में सुना कि जाना कि कैसे आप बोल रहे हैं? इसलिए मैं जाना हूँ कि वहाँ जाने के बाद में वो बोली है, मैंने बगल से पता लगाया तो बोली कि भाई हमको कमरा चाहिए। तो कहन क्या हुआ? कहन कि हमारा ये राजेश जो है हमारे को मार के खेत दिया, सब जमीन जायदाद बेच लिया, हम अकेले तन्हा हैं। तो बोले कि तुम्हारा आदमी कहाँ है? तो कहे, तो वो बोली कि हमारा आदमी हमारे साथ है। तो बताओ उसका आदमी कहाँ है? अच्छा, आपकी पत्नी का फ़ोटो है? फ़ोटो दिखाइए, फ़ोटो दिखाइए, कहाँ है फ़ोटो? फ़ोटो इधर दिखाओ बच्चा, मैं आपको दिखाऊंगा कि वो यही आपकी पत्नी है? यही है। तो अच्छा ये बताइए, क्या मैं इस फोटो को जो है क्या अपने उस पर लगा सकता हूँ, चैनल पे लगा सकता हूँ? हाँ, लगा दीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। कि बाद में कह दीजिए हमारे पत्नी का जो है फोटो क्यों डाल दिए फेसबुक पे, उस पर डाल दिए? नहीं नहीं, इसमें जो है चैनल में चालू करिए, चैनल में ना। हाँ। ये देखिए, इनकी पत्नी का फोटो है और इनकी जो है पत्नी जो है इनको छोड़ के जो है चली गई है और 2 बच्चे भी हैं इनके। अगर ये बच्चे जो है कहीं ना कहीं जो है माँ के बिना अधूरा होता है, माँ का ममता वो होता है जो छिपाए से भी नहीं छुपता है, और होली पे जो है एक ऐसा पर्व था उससे मिलने तक नहीं है से। वो माँ जो है बच्चों को पैदा करती है, 9 महीने कोख में रखती है, उस माँ को मैं क्या कहूँ जो बच्चे छोड़ के चली गई है। दर्द नहीं होता ऐसी महिलाओं को, ऐसी महिलाएं देश के लिए कलंकित हैं, है ना कलंकित? हाँ, कलंकित हैं। तो आइए हम उनके जो है, ये कौन है आपके, ये खड़े हैं जो? ये हमारे जी बहन। अच्छा जी, ये आपके क्या नाम है? मुंदर। अच्छा, ये बताइए कि ये जो है आपका, आपकी कौन थी ये बहन? अच्छा, आपकी बहन थी। आप बताइए, आपकी बहन ने ऐसा गलत काम किया कि जो है आपके जीजा को छोड़ के फरार हो गई? अब साहेब यहाँ तो बता ही ना सको, पहले तो नहीं रही। अब मूड़ के बाद है, थोड़ा दिमाग उनकर सिस्टम रहा तो रहा। तो डिस्टर्ब था तो बच्चा क्यों पैदा कर दिया? अगर नहीं रखना था बच्चे को तो क्यों बच्चा पैदा कर दी भाई? वो कब तक कोई सपोर्ट करेगा, कब तक उसकी मौसी देखेगी? हाँ, बात सही है साहब, कब भर देखेगी?
जब बच्चे पैदा होते हैं, बच्चा पैदा करने से पहले जो है उनको जो है अगर कसम खा लें कि मैं बच्चा पैदा कर रही हूँ तो मैं उनका देख रेख करूँगी, अगर बच्चा नहीं पैदा करना तो आज जो है देख रेख कौन करेगा उसका? अब सहारा क्यों? सहारा कोई नहीं। आइए भाई साहब हैं, एक भाई साहब बैठे हैं, आइए भाई साहब आइए, थोड़ा सा आपसे भी थोड़ा जान। क्या नाम है आपका? जगत बहादुर पटेल। अच्छा जगत बहादुर जी, ये बताइए ये महिला जो की है क्या सही है या गलत है? गलत है, यहाँ पे टोटल गलत है। गलत है इसलिए कि उसको जाना ही नहीं चाहिए यहाँ से। अगर दो लोग बच्चे हो गए तो अपने बच्चे की देखभाल करें, अपने पति की देखभाल करें, अपना खेती बाड़ी देखे। आप बताइए इतने खेती बाड़ी किए हैं उसका कौन करेगा काम? करेगा तो अगर होती हो तो करती है अपना। आलू देखो जो आलू बोया था उसको आलू दूसरे को दे दिया गया, मतलब खनवा दिए, वो भी जो होती है तो अपना खन के रखती घर पे। इसीलिए सब थोड़ा जो महिलाएं ऐसा करती हैं उनके लिए क्या संदेश देंगे आप? उसके लिए दंडित यही है, अगर वो सही से अगर अपने आके घर पर देखे नहीं, अन्यथा अगर आती है तो उसको कायदे समझा नहीं समझ में आ रहा है तो फिर भाई उसको नैहर वाले को बुलाइए, उसको जो सौंपिए भैया अपना ये बहन को ले जाइए या किसी तरह से समझा के रखिए। तो नैहर वाले कौन से दोषी हैं भैया? नैहर वाले तो शादी कर दिए, विवाह कर दिए, तो नैहर वाले कौन से दोषी हैं? जैसे हत्था छाप करें कि भैया जो तुम्हारी जो बहन कहाँ रखे, हाँ ठीक है, अगर कोई बात उठती है तो भाई आ गई यहाँ पे, उनका कर्तव्य है आकर उसको समझाइए, पहला नंबर उनको समझाइए अपने सिस्टर। अच्छा होली का एक ऐसा पर्व था जो है बच्चों से मिलने नहीं आई? नहीं नहीं नहीं, वो होली पर्व नहीं आई, इसलिए बहुत दिक्कत है यहाँ पे। बच्चे जो है जो पैदा किए हैं उनको दर्द नहीं हुआ है? दर्द हुआ होगा, पर किसी के भगवान जाने कैसी किस हाल में फंसी है जो कि नहीं वो भाग के आती है अपने बच्चे के लिए। हाँ कैसे कारण कहाँ फंस गई, हाँ किस वजह से फंस गई, कि इसको कोई संगे चाल फेरी किया गया, किस हाल में है वो? जाती थी जरूर पर आती थी जो घर पे। अच्छा बाबा जी बता रहे हैं कि वो महिला भाग गई है? हाँ घर से निकल चुकी है, भाग चुकी है, किसी और के साथ में बता रहे हैं, मैं देखा हूँ। अब भाई वो तो वही जाने, हम तो भाई अब मुखिस गए नहीं थे वहाँ पे कि हम देखे आँख से, भाई ये देखे कैसे देखे। अब उनके पति कह रहे हैं कि जो है मैं देखा हूँ किसी और के साथ में रह रही है इतने समय। हाँ तो अगर जहाँ है तो उसको चल के ले आइए, देखा जाए कहाँ किस पे कहाँ तैयार नहीं है, लड़ाई कर रही है बता रहे थे, लग रही थी तब उसके लिए बताइए कार्रवाई कर दीजिए सीधा सीधा। बताइए ये तो एप्लीकेशन भी दिए हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई नहीं, कोई नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। अगर कोई घर से अगर कोई अगर उस जान माल का कोई खतरा होगा तो कौन जिम्मेदार होगा? जिम्मेदार तो भैया वही हो जो कि भगी यहाँ से घर से, मेहरारून की, और कौन जिम्मेदार होगा? प्रशासन के पास जो एप्लीकेशन दिए हैं तो संज्ञान लेना चाहिए ना, संज्ञान आना चाहिए, प्रशासन को देखना चाहिए कि आकाश कैसे कर रहे हैं, काम कैसे चलेगा उसका घर द्वार। तो ये था जो है इनका मोड़, और इस प्रकार की जो महिलाएं होती हैं कहीं ना कहीं जो है गलत है, और मैं माताओं बहनों से जो है गुजारिश करूंगा कि किसी का घर ना उजाड़े, और ऐसे भी भाइयों से मैं गुजारिश करूंगा जो ऐसे किसी का घर बसा हुआ है, किसी का घर उजाड़ने की कोशिश कर रहा है, तो उन भाइयों को क्या कहेंगे आप? उसके बाद भाई जो पता पर दंडित किया जाए, उसको भी तत्काल प्रशासन खान में जाना चाहिए, उसको घर पे अगर कोई खिलाफ उसे कर रहा है तो उसको तत्काल प्रशासन आके उठाए, अगर कोई गलत कर रहा है उसके साथ में तो तत्काल प्रशासन आके तत्काल प्रशासन ले जाए, उसको दंडित किया जाए, उसने ऐसा क्यों किया उसके साथ। भैया एक हाथ से ताली नहीं बजती कभी भाई, दोनों हाथ बजाएंगे तभी बजेगा भैया, जब ओरा लिए किसी तरह बात की होगी तब आगे चल के भगी है यहाँ से। तो ऐसे ही देखिए यहाँ पे जो है माताएं बहनें हमारी बैठी हैं, आज माताएं बहनें का जो है कम हम जो है हमारी जो माताएं बहनें होती हैं कहीं ना कहीं जो है बच्चों को जो है पैदा करती हैं, 9 महीने पेट में रखती हैं, आज इन जो है छोटे छोटे मासूम बच्चों को जो है छोड़ के ऐसी चली जाती हैं, उनको थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा घर परिवार हमारे जाने के बाद क्या होगा, पूरा जो है बिखर जाएगा। आज इस खबरों को लगाने से हम एक तात्पर्य हमको एक संदेश मिलता है कि घर जो है चलाने वाली केवल होती हैं, घर की लक्ष्मी होती हैं तो हमारी माताएं बने होती हैं, जो कहते हैं वो चला ले जाती हैं, और कुछ होती हैं कि जो उसको घर को जो है पूरा बिगाड़ देती हैं, पूरा जो है बर्बाद भी कर देती हैं। दो तरीके की महिलाएं होती हैं, एक अच्छी होती है, ख़राब होती हैं। तो हम उन ख़राब माताओं से ये गुजारिश करेंगे कि घर अपना जो है अच्छे से आगे चलाएं, और रात को जो है अगर भटका हुआ आदमी जो है अगर घर परिवार में आ जाए तो उसको भूला नहीं करते हैं। और हमारी माताएं बहनें और खड़ी हैं तो मैं उनसे जो है थोड़ा सा पूछूंगा, आ जाइए बहन जी, आ जाइए आप भी लोग, आ जाइए आ जाइए। देखिए बहन जी आप लोग देखिए सपोर्ट थोड़ा करिए, क्योंकि देखिए आ जाइए, आ जी थोड़ा आगे आ जाइए। क्या नाम है आपका? आराधना। अच्छा वो महिला कैसी थी, सुनीता कैसी महिला थी? अब हमारे नज़र में तो ठीक ही दिख रही थी, और हम आगे क्या बताएं। अच्छा आपकी नज़र में दिख रही थी, और कैसे गई घर छोड़ के जो है बच्चों को जो है भूल के कैसे गई वो महिला? अब ये तो हम नहीं बता पाएंगे वो कैसे गई हैं, क्योंकि हमने देखा तो नहीं उनको जाते समय। अच्छा बच्चे जो है पैदा करने के बाद महिलाएँ क्यों चली जाती हैं, क्या दर्द नहीं होता है? ये तो होता है भाई, जो अच्छी महिलाएं हैं उनको दर्द होता है, जो नहीं समझती अपना घर परिवार उनको कहाँ से दर्द होगा। वो एक दूसरे को मतलब देखती हैं, इधर उधर भटकती रहती हैं।
क्या अपना जो है खाना जो बनता है अपने घर का अच्छा नहीं होता, क्या दूसरे खाना जो है घर का अच्छा रहता है क्या? नहीं, अपने घर तो अगर नून रोटी भी मिलता है वो भी अच्छा है, अगला बहुत अच्छे से अच्छे खा रहा है, हमारे लिए तो बिल्कुल मिट्टी है। अपना तो अगर 1 रुपये हो वो भी सोना है, वो 1000 रुपये लिया है तो उससे हमारा क्या होगा। तो ऐसी महिलाओं को क्या कहेंगे जो घर के छोड़ के चली जाती हैं, भाग जाती हैं? सर ऐसी महिलाओं को तो हम ये कहेंगे वो तो बिल्कुल कुछ भी कहने लायक नहीं हो, तो बिल्कुल बेचा की तरफ लगती हैं जी। अच्छा, और महिलाएं होती हैं जो घर संभाल ले जाती हैं, जैसे आप लोग हो गई, घर संभाल रही हैं बढ़िया से, आप लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर ऐसी महिलाएं जो बदनाम करने पे, आप अगर वो महिला को अगर भागी है तो आप लोग की बेइज्जती हो रही है ना गाँव की? जी जी, सबकी हो रही है। अगर एक गलत हो गई तो उसके साथ एक तालाब में एक मछली अगर वो हो गई तो सारी मछलियाँ उसके साथ हो जाएंगी ना। इसलिए हम ये कहेंगे कि जितनी भी महिलाएं हैं अच्छी हैं वो तो ठीक है, जो ख़राब हैं वो भी अच्छे रास्ते तक जाने के लिए सोचें, अपने बाल बच्चों को अपने घर परिवार सोचें जी। और महिलाएं जो होती हैं, अब जो है महिला सशक्तिकरण मिल गया, प्रधानमंत्री की तरफ से छूट हो गया है, तो ये अब सोचते हैं कि जो हमारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, मैं चाहे जहां जाऊं जी, इसके साथ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए कि मतलब हम अपना घर छोड़ के दूसरे के साथ अजनबी आदमी वो हमें कहाँ क्या कैसे करेगा, इसको तो हम जान नहीं पा रहे हैं और जा रहे हैं उसके साथ कहाँ क्या कैसे है। उनके पति बता रहे थे कि पैसे की लालच में जो है ऐसा कृत्य किया है। सर ये तो हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि अब वो फैमिली उनकी है, वो बता सकते हैं कैसा क्या है। क्या पैसा पाने पे जो है रास्ता भटक जाते हैं क्या लोग? नहीं सर, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ऐसा तो नहीं होता। वो जाने कैसा उनका मतलब वो था, कैसा दिमाग उनका था, क्या है जी। तो अब जो है उस महिला को क्या कहेंगी आप? अब वो तो महिला कुछ कहने लायक नहीं है, लेकिन कहा जाए तो बहुत गंदे रास्ते पे जा रही हैं, तो अब हम क्या कह सकते हैं। आप उनको क्या सजेस्ट करेंगी? आप तो बड़ी होंगी या तो छोटी होंगी उनसे? नहीं सर, हम तो उनकी देवरानी हैं, मतलब उनसे बड़ी नहीं हैं, लेकिन हम तो उनको यही कहेंगे कि एक अच्छी नारी वो नहीं है, वो एक मतलब अच्छे परिवार में रहने लायक भी नहीं है, क्योंकि एकदम गंदी नाली की तरह जब वो घर से बाहर निकल गई तो उनको हम क्या कह सकते हैं। अच्छा, वो मतलब घर उनका नेचर सही था कि नहीं सही था? सर ऐसे देखने में तो भाई ठीक दिख रही थी, अब और हम क्या कह सकते हैं, हम बात कोई नहीं जान सकता, नहीं जान सकता हम ही। अब आपको अच्छे दिख रहे हैं, हमें अंदर के आप जानते नहीं हम कैसी हैं, है कि नहीं जी। एक महिला जो होती है वो कुछ भी कर सकती है, चाहे सही हो चाहे गलत हो, गलत को सही, सही को गलत कर सकती है जी। जी एक महिला चाहे घर को अच्छे से चला सकती है, समाज को अच्छे से रख सकती है, एक ही महिला समाज को गंदा भी कर सकती है और समाज को अच्छे रास्ते पे और अच्छा मतलब अच्छे से अच्छे वो कर सकती है। आज कहीं ना कहीं समाज गंदा हो रहा है जी, समाज गंदा हो रहा है, एक ही मतलब अब हम सभी बहन बेटियां मतलब एक ही बेटी खराब हो गई, एक ही मतलब बहू खराब हो गई, तो सारा समाज उसी की वजह से गंदा हो रहा है ना। इसलिए हम ये कहेंगे कि जो भी खराब महिलाएं हैं या अच्छी बहन बेटियां, सब अच्छे से अपना घर परिवार चलाएं और अच्छे से अपना समाज करें। और देख लीजिए कि ये था हमारी बहन का थोड़ा सा कहना, और सही बोल रही हैं कि अगर एक महिला होती है चाहे घर बना दे चाहे बिगाड़ दे, और एक महिला जो है एक पूरे जो है गांव का भी बेइज्जती भी करवा सकती है, अच्छाई भी करवा सकती है। तो ये इसी खबरों के साथ आप बने रहिए, मैं सुकुमा धन्यवाद। मेरी जेठानी लगती हैं गाँव की, वो अपने दो बच्चों अपने पति को छोड़ के किसी अजनबी आदमी के साथ बाहर निकल गई हैं, क्या कर रही हैं क्या नहीं कर रही हैं अब ये सर हम आगे तो नहीं बता सकते। क्या नाम है महिला?